सील विकास नगर क्षेत्र के ग्राम जीतगढ़ में अवैध कब्जाधारियों से जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तहसील प्रशासन ने समाज कल्याण की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। जी हां, आपको बता दें कि ग्राम जीतपुर में ग्राम समाज की भूमि को कब्जा करने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, जिस पर बाउंड्री वॉल सहित गेट भी बना दिया गया था, जिसके बाद ग्राम प्रधान द्वारा मीडिया को मौके पर बुलाकर ग्राम समाज की भूमि का मौका मुआयना कराया, जिसके बाद मौके पर ही उप जिलाधिकारी विकास नगर को अवैध कब्जे की सूचना दी गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी के निर्देशन पर पटवारी सहित तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्राम समाज की भूमि पर निर्माण वालों को ध्वस्त कर ग्राम पंचायत के हवाले किया। जो गेट लगा रहा था यहाँ पे, ये काम हुआ है, ये करवा दिया है, जो उचित कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। ग्राम समाज काला ग्राम समाज जो हमारे रिपोर्ट है उच्च अधिकारियों को करा दिया है, इस विषय में रिटर्न रिपोर्ट। भाई साहब, मेरे संज्ञान में ये बात 6 साल से है कि ये ग्राम समाज की भूमि है, और अभी तत्काल मुझे प्रधान जी से भी यही पता लगा, और पहले भी मैं इस जमीन को पहले भी ये भूमाफियों ने जमीन बेच दी थी, तो उस टाइम भी मैंने विजेंद्र SDM साहब थे तो उनके माध्यम से ये जमीन रुकवा ली थी, क्योंकि ये ग्राम समाज की भूमि है। और अभी भी पटवारी साहब आए तो उन्होंने यही बताया कि ये ग्राम समाज की भूमि है और अवैध रूप से इसमें कब्जा किया जा रहा था। देखिए, इसमें मामला जो है लगभग पिछले 6-7 साल से मामला चल रहा था, और पूर्व में भी जो है यहाँ पे SDM, नायब तहसीलदार और कानगो और पटवारी सब लोगों का जो है निरीक्षण किया था सबने, और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जमीन जो है पंचायत की है, इस पंचायत की भूमि पे जो है वर्तमान में हम प्रधान है, तो हमारा दायित्व है कि इसकी देख रेख करने का हमारा दायित्व है। इसलिए हमने जो है जो भी यहाँ पे कब्जा कर रहे थे कुछ लालच में, जो है ये मुख्य रोड से जो है लगती हुई जमीन है, तो जो भूमाफिया है वो लोग इस पे जो है कब्जा करना चाह रहे हैं।